देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। पश्चिमी यूपी में पंचायत का तुगलकी फरमान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जरा गौर से देखिए, ये तस्वीरें हैं बिजनौर के किशनपुर आंवला इलाके की, जहां पर कल दोपहर नौशाद नाम का युवक एक परिचित महिला के घर आया था, जहां पर महिला के पति आरिफ व कुछ पड़ोसियों ने मिलकर उसे पकड़कर दोनों को कमरे में बंद करके घंटों बंधक बनाकर पिटाई कर डाली। पीड़ित महिला की माने तो पूरा गांव में दोनों के रस्सियों से हाथ बांधकर घुमाया गया। उसके बाद घंटों चली पंचायत में दोनों के रस्सी से हाथ बांधकर भरी पंचायत में रुसवा करते हुए पंचों ने जमकर पिटाई करते हुए इस महिला के पति से तलाक दिलवा दी। पीड़ित महिला अपने मायके आ गई। घंटों बाद पहुंची पुलिस ने पांचों के बीच से पीड़ित युवक को भले ही पकड़कर थाने ले आई हो, लेकिन अभी तक पंचों ने सजाई पंचायत के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसे लेकर तलाकशुदा पीड़ित महिला अपने ऊपर हुए जुल्म व सितम का बदला लेने की बात करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात बयां कर रही है। एक मैं थी, मुझे और एक उस लड़के को बुलाया नौशाद को फ़ोन करके, जिस जो मेरे भाई का दोस्त था उसके घर में आने जाना था मेरे, मुझे उसे उसके साथ कमरे में बंद कर दिया नंद ने मेरी, और फिर उन्होंने घर वालों को फ़ोन कर दिया। घर वालों ने सब आके गांव वालों को बुला लिया, गांव में पंचायत लगी, मेरी बहुत बदनामी की, बेइज्जती की, फिर घर वालों की भी की उन पंचायत के सामने। उन्होंने बहुत बहुत बुरा बुरा कहा, बहुत बुरा बुरा कहा। पूरी रात, फिर रात हो गई, पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। हाँ, पुलिस आए, पंचायत में बहुत बदनामी हुई। पंचायत में क्या आपकी बदनामी हुई और किस तरह का आपको जो है कुछ पिटाई भी हुई है? जी सर, शुरू में हुआ ऐसा। क्या हुआ था? उन लोगों ने जब आके पकड़ा तो उस लड़के को भी बहुत मारा, और उसके और मेरे हाथ बांध दिए दोनों के। कुछ घंटे बाद में मुझे खोल दिया, फिर उसे उसकी मार उसे भी मारछेट की, फिर उसे पुलिस ले गई। क्या गांव में भी घुमाया आपको उसको? जी, सबके सामने बहुत बेइज्जती की। क्या चाहती, क्या होना चाहिए? आपके पति इस टाइम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं? सर, मैं अपने घर हूँ, मायके में हूँ। पति का क्या कहना आपके? मेरे पति का नाम मोहम्मद आरिफ है। क्या होना चाहिए जो पंचों ने आपको मारपीट करी, सरेआम रुसवा किया, क्या होना चाहिए उन पंचों के लिए? सर, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। बिजनौर से सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।